नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बायोस्कोप और मैं हूं मदन कुमार सिंह। इस वक्त मौजूद हूं मैं रांची के 15 इलाके में, जहां की कल देर रात एक व्यक्ति जो है बारिश के पानी में नाले में बह गए। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। लगातार नगर निगम की टीम उनको ढूंढने में जुटी हुई है, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली है। देख सकते हैं कि इलाके में कि जो लोग हैं वो पूरी तरह से उनको ढूंढने में लगे हुए हैं। लोगों की काफ़ी भीड़ है, लेकिन जो तस्वीर है वो बेहद ही डरावना है, क्योंकि इलाके में पूरी तरह से नाले जो हैं इसी तरह से खुले पड़े हुए हैं। पानी का कितना तेज़ बहाव हो रहा है ये आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर है 15 इलाके की, और अगर हम आगे चलकर तस्वीर दिखाना चाहेंगे तो पूरी तरह से नाले का पानी जो है वो सड़क पर ही है। लेकिन हम ये सवाल खड़े कर सकते हैं कि नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च कर रही है नाले के निर्माण के लिए, और नाला किस तरह से बनाया जाता है इसकी ये वानगी देख सकते हैं कि कहीं तो खुले पड़े हुए हैं और कई जगहों पर सिर्फ नाला दिखाने के लिए है, नाला का पानी पूरी तरह से सड़क पर ही है। लेकिन इतनी तेज़ बहाव इस इलाके में पानी का रहता है कि उसमें कोई भी व्यक्ति अगर नाले में गिर जाए तो वो कहाँ चला जाएगा उस तेज़ बहाव में, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। और इसी की वानगी ये देखने को मिला है कि कल जिस तरह से वो आदमी नाले में गिरे, और उसके बाद अभी तक तकरीबन 12 घंटा से अधिक हो चुका है और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि नगर निगम की पोल खुलती नज़र आ रही है। जिस तरह से 250 करोड़ की लागत से करीब पिछली बार भी नाले का निर्माण कराया गया, वो नाले किसी काम का नहीं रहा, और कई जगहों पर सिर्फ खुले नाले हैं जिसमें कि लोग बह जा रहे हैं और उनका कोई अता पता नहीं मिलता है। मुझे फ़ोन किया, मैं वॉकिंग कर रहा था कि यहाँ आने के लिए, इन्होंने फ़ोन किया, हमने कि मैं तुरंत आ रहा हूँ। फिर मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, आइए। तो ये तो मैंने घटना को अब क्या भूलिएगा, दर्दनाक घटना है, अभी तक पता भी नहीं चला है। निश्चित रूप से अभी ये सब चीज़ें हो रही हैं इस तरह से बरसात के दिन में। अभी भी मैं आ रहा हूँ तो सड़कों पर देख रहा हूँ कि पानी चल रहा है, वर्षा इतनी हुई है 3 दिन के अंदर, हर लोग परेशान है, बेहाल है। वैसी स्थिति में जब मैं मंत्री था उस समय रांची के नगर निगम के सभी बड़े नालों को कवर देने के लिए हमने ये किया था, लेकिन पता नहीं बीच में फिर नगर निगम, हम लोग की सरकार चली गई, फिर नगर निगम इस दिशा में क्या कर रही है मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तक तो सर कोई अधिकारी को आना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सूद लेने के लिए नगर निगम के कोई अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचे हैं। NDRA परिवार का कहना है कि NDRA अगर आ जाता तो खोज पाता। नहीं, अभी तो मैं कहा है, अभी मैं DC से बात करके तुरंत NDRF के जो अधिकारी हैं उनको इस काम में लगाऊंगा, गोताखोर को, ताकि वो पता कर सके कि बह के आखिर उसका मैंने गया कहाँ पर, किस क्षेत्र में गया है। सबसे बड़ा बात ये देखना है किस क्षेत्र में गया है। तो उसको मैं समझता हूँ कि डैम की तरफ ही गया होगा मेरे ख्याल से, ये जो इसका ढलान जो होगा वो डैम की तरह होगा। सिपी सिंह जी, पूरा इलाका जब आप मेन रोड से अंदर आए होंगे तो पूरा इलाका पानी जो है, नाले का पानी सड़क पर ही है, पैदल चलना भी दुर्लभ है। तो ये एक बार की बात नहीं है, पिछले हम 3 वर्षों से देखिए। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए उसको आप दूसरे ढंग से मत लीजिए। देखिए हुआ क्या है, आप देख रहे होंगे, अभी देख रहे होंगे कि सारी सड़कें पक्की बन गई हैं, ये मेरे कार्यकाल में ही बना है। अब होता क्या है कि वर्षा का पानी, ये ढलान इलाका है, रातू रोड से बहुत नीचा इलाका है, तो उधर का पानी जितना आता है 15 से लेकर इधर उधर सब सारा पानी इधर आता है, इसीलिए आपको ये दिख रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा? इसका सॉल्यूशन तो देखिए, फिर सॉल्यूशन ऐसा है कि अब लोग अपना आवास बनाए हैं, तो अब किसका आवास को बिना, जब तक आवास पीछे नहीं घसकेगा तो इतना बना हुआ मकान को आप कैसे पीछे घसकाइएगा, ये भी एक समस्या है। आखिर कोई भी चीज़ के लिए जगह चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आवास जब बन चुके हैं तो उसी समय यदि इसका मास्टर प्लान के अनुसार काम होता तो कहीं दिक्कत नहीं थी, लेकिन आवास को तोड़ के तो नहीं आप बना सकते हैं। अब इसी को है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वैसे क्षेत्र जहाँ, जैसे देखिए आप आए होंगे तो इधर गार्ड वाल देखे ऊंचा किया गया है, उधर गिरने का कोई नहीं है, लेकिन जहाँ पर गिरने की संभावना है वहाँ पर गार्ड वाल और ढकने की बात होगी तो ढकवाने का काम किया जाएगा।
ठीक। तो आपने रांची के विधायक सीपी सिंह को सुना और उनका कहना है कि ये इलाका बहुत नीचे है, इस वजह से इधर पानी का जमाव होता है और तुरंत इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही लोगों ने जो घर बनाया है वो जगह नहीं छोड़े हैं जिस तरह से नाला का निर्माण कराया जा सके। तो यही वो जगह है जहां उनको आखिरी बार देखा गया था, यहीं पर उनके पैर को पकड़ा गया था ताकि उन्हें बचाया जा सके, और इससे थोड़ी देर दूर आगे जो है वो पानी में गिरे थे। तो हम आगे चलकर भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि कहां उनका पैर फिसला था। वो साइकिल चला रहे थे, फल बेचने का काम करते थे और उन्हें बचाया नहीं जा सका। हालांकि यहां पर जब वो गिरते समय हल्ला किए कि बचाओ बचाओ, उसके बाद यहाँ पर आखिरी बार कुछ लोग थे जो उनके पैर को पकड़ना चाहा, लेकिन वो फिसल गए और पानी की तेज बहाव में वो यहाँ से बहकर आगे बढ़ गए। हालांकि अभी तक कोई पता नहीं चल पाया, और ये नाला जो है वो कांके डैम में जाकर मिलता है, इसलिए डैम तक तलाश की जाएगी। लेकिन प्रयास यही है, आप यहाँ देख सकते हैं कि बोरा से पहले पानी को बंद, उसके फ्लो को कम किया गया है ताकि किसी भी तरह उन्हें बचाया जा सके। ये देखिए तस्वीर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत तेज़ गति से पानी इधर बहता था, लेकिन यहाँ पर बोरा और ईंट दे करके, बालू दे करके, बांस का बल्ली लगा करके पानी के फ्लो को कम किया गया था ताकि बचाया जा सके उन्हें। लेकिन पानी की रफ्तार कम हुई, लेकिन उस समय भी इतनी तेज़ रफ्तार थी कि वो बच नहीं पाए, उनका पैर जो फिसला उसके बाद वो बहकर आगे बढ़ते चले गए। फिलहाल कांके डैम में ये नाला मिलता है और उस कहाँ तक वो पहुँचे हैं या फंस गए बीच में, इसकी तलाश अब की जाएगी। हालांकि स्थानीय लोगों की मांग है कि NDRF SDRF की टीम अगर यहाँ पहुँचती तो उनका खोजबीन किया जा सकता था, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन के बड़ी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो BJP के रांची के विधायक हैं CP सिंह जी, वो घटनास्थल पर पहुँच कर जायज़ा ले रहे हैं जाके किस तरह से उन्हें ढूंढा जाए, क्या इसका रास्ता निकाला जाए। तो ये तस्वीर है 15 के पंचशील नगर इलाके का, और यही वो नाला है और यही वो जगह है जहां उस व्यक्ति का पैर फिसला और वो नाले में गिरे और उसके बाद पानी की तेज़ बहाव में बहकर कहां चले गए, इसका तलाश किया जा रहा है। दूर से दिखा, इधर आ जाऊँ। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, ये तस्वीर देखिए पंचशील नगर का है और ये आप देख सकते हैं नाले की क्या स्थिति है। अगर थोड़ी सी भी तेज बारिश हो जाए तो सड़क पर ही इसका पूरा पानी रहता है और दोनों तरफ नाले की यही स्थिति है। पानी कितनी तेज़ रफ्तार में यहाँ से बह रही है, इससे आप आकलन कर सकते हैं अगर किसी का पैर फिसला तो वो कहाँ पहुँच जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लोग डर डर कर इस बारिश के पानी में, किसी को अगर बहुत ज़रूरी काम हो तभी वो अपने घर से निकलते हैं और बाहर जाते हैं। कितना मुश्किल होता है ये हम यहाँ के लोगों से ही बात करके जानेंगे, जो आखिर किस तरह से बारिश के पानी में वो इस पानी को पार करते हैं। गाड़ी से पार करना आसान होता है या नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया ये बताइएगा, इस तरह से जो पानी लगा रहता है आप लोगों को कितना दिक्कत होता है इधर से गुजरने में? काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है एक्चुअली। ये बरसात में तो समझ ले कि ये रोड नहीं मतलब नदी बन जाता है। इस तरह से पहले भी कोई घटना हुई थी क्या, जो पैर फिसल गया गिर गया? नहीं, आम दिनों तो होते ही रहती है, पैर फिसला गिरा पानी में गिर गया, आदमी हाथ पैर टूटते ही रहते हैं, बट इस टाइप का घटना पहली बार हुआ है। पहली बार जो आदमी बह गया। लेकिन रांची में ये तीसरी घटना है, दो बार हिंदपीढ़ी में ऐसी घटना हुई है। तो आपने सुना ही कि लोगों का कहना है कि ये बारिश का पानी नहीं, ये नदी बन जाता है। आप देख सकते हैं पानी की रफ्तार कितनी तेज़ है, अगर कोई इसमें गिरे तो कहाँ पहुँच जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये रांची के 15 इलाके के पंचशील नगर का ये तस्वीर है और ये तकरीबन 1 किलोमीटर तक इसी रफ्तार से पानी जो है सड़क पे है और इसी रफ्तार से पानी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 3 फीट से ऊपर
इस सड़क पर बीच में अगर हम जाएं तो वहां पर पानी जो है जमा हुआ है, और उस 3 फीट में किस तरह से लोगों को कितना मुश्किल का सामना कर पार करना होता है पानी को। कई जगहों पर बीच में गड्ढे भी हैं, गाड़ी रुक जाती है, गाड़ी बंद हो जाती है, लोग गिर जाते हैं, उनके पैर हाथ टूटते हैं। देखिए अब तो ये तस्वीर पंचशील नगर का है, और इसी बारिश के और नाली के पानी में वो व्यक्ति कल शाम को बहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई ठिकाना नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि नगर निगम की तरफ से 2 JCB ज़रूर भेजे गए थे, कुछ जगह पर गड्ढा किया गया, लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला है कि आखिर वो व्यक्ति बहकर कहां गया, बीच नाले में कहीं फंसा हुआ है। तो इस तरह के दृश्य अगर आप रांची के कई इलाके में आपको इस बारिश के समय में देखने को मिलेगा, लेकिन नगर निगम है कि इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। 250 करोड़ रुपए जो है सिर्फ नाले के निर्माण में खर्च किया जाता है, लेकिन आदमी जो है नाले में बहकर ही मर जाता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 रांची।